बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ मिनाल। आप देख रहे हैं बच्चों का खबरनामा। सबसे पहले आज की एक अच्छी बात। दोस्तों, वक्त की पाबंदी करना बहुत अच्छी बात है। हमें अपना काम वक्त पर करना चाहिए। आप अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं ना? हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही वक्त की पाबंदी करना सीख लें। और अब आज की हेडलाइन। मार्च में रिलीज होने वाले नॉवल राइज ऑफ द आइल ऑफ द लॉस्ट ने मचा दी धूम। दिखाएंगे आपको रिबन कटिंग सेरेमनी ऑफ म्यूजियम। पुदीना खाएं और पाएं बीमारियों से निजात। और अब खबरें तफसील के साथ। जर्मनी में एक नॉवल पब्लिश हो गया है जिसका नाम है राइज ऑफ द आइल ऑफ द लॉस्ट। जी हाँ, ये नॉवल एक मैजिक वर्ल्ड की स्टोरी पर है। इस नॉवल की कीमत $10.97 है। हमारे जिन दोस्तों को मैजिकल स्टोरीज अच्छी लगती हैं, वो ये नॉवल जरूर पढ़ें। आइए आपको भी दिखाते हैं ये नॉवल। The next book in the Descendants series is here. Rise of the Isle of the Lost. In my way. Now, revenge will be mine. It's my turn to rise. Rise of the Isle of the Lost, the prequel you can read before you watch Descendants 2. मुझे तो मैजिकल स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं, मैं तो जरूर पढ़ूंगी। स्प्रिंगफील्ड में डॉक्टर स्यूज ने बनाया एक बहुत बड़ा म्यूजियम। जी हाँ, इस म्यूजियम के रिबन कटिंग सेरेमनी में बहुत बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की। इस म्यूजियम को बनाने में $7 मिलियन खर्च हुए। इस म्यूजियम में बहुत ही खूबसूरत और कदीम चीजें हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। ये म्यूजियम तो बहुत ही शानदार है। पुदीना खाएं और रहें बीमारियों से महफूज। पुदीना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, जो लोग कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान रहते हैं, उनके लिए पुदीना बहुत अच्छा है। और आपको पता है, पुदीने का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत रखता है। और हाँ, पुदीने की चटनी भी बहुत मजे की होती है। दोस्तों, अगर आप खबरनामे का हिस्सा बनना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ न्यूज, तो हमसे रابطہ करें नीचे दिए गए नंबर पर या ईमेल आईडी पर और बन जाएं इस खबरनामे का हिस्सा। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए स्क्रीन पर मौजूद ईमेल आईडी पर हमें मेल करें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज बच्चों के खबरनामा पर। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ आज के खबरनामे का वक्त खत्म हो जाता है। बच्चों को बच्चों से बेहतर कौन जान सकता है? तो देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।